हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि आप अपने पोर्टल से प्रिंट आधार से वोटर आईडी कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप वोटर आईडी प्रिंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वोटर प्रिंट कार्ड ऑप्शन में जाना है और वोटर प्रिंट ऑटो में जाना है। ठीक, अब यहाँ आपको एक फाइल बनानी होगी जो कि यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, इलेक्शन KYC लिंक, क्लिक हियर। तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये आने के बाद में आपको पहचान पत्र क्रम द्वार खोज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ जो है कस्टमर का इपिक नंबर डालना है, जो वोटर आईडी नंबर होता है वो डालना है। ठीक, तो मैं वोटर आईडी नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ कस्टमर का स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको डाल देना है कैप्चा। यहाँ मैंने डाल दिया कैप्चा। थोड़ा समय ले रहा है, अभी खुल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मैं इस तरह से और भी वीडियो बनाता रहूँ। तो ये हमारा अभी प्रोसेस में लगा हुआ है। तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गया, ठीक है ना। अब आपको कर देना है बी डिटेल्स पे ओके। बी डिटेल्स पे ओके करने के बाद में आप क्या करोगे, कंट्रोल और यस, कंट्रोल यस मतलब सेव करना है हमको। ठीक है, तो मैंने इसमें पहले से सेव कर रखा था इस फोल्डर में, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं इसमें कर ले रहा हूँ सेव। सॉरी, ये मैंने कर लिया सेव। मैंने फोल्डर, एक फोल्डर में सेव कर लिया है, ठीक है ना। फिर आपको बैक उसी पोर्टल पे चले जाना है। फिर आपको अपलोड ENV ESP फाइल जाना है, और जो मैंने अभी सेव किया है ना, इस तरह से आपको क्रोम का या मोजिला का या एक्सप्लोरर का एक जो है फाइल दिखेगी, उसको कर लेना है सेलेक्ट और फिर कर देना है सबमिट। हमने कर दिया सबमिट, थोड़ा सा समय लग रहा है। सबमिट करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, कस्टमर का इमेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ आपको जो आपका थाना पड़ता है वो डाल देना है, यहाँ तहसील डाल देना है, और जो है यहाँ आपको भाषा अपना चूज कर लेना है, सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी, मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी, आपका जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बार मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर आपका कुछ ट्रांसलेट हिंदी वाला नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हिंदी बराबर जो है टाइप नहीं कर पाता है, तो आपको जो है उसको कर लेना है करेक्शन, जो भी है इस तरह से। और यहाँ पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में एक बार आपको इंग्लिश वाला भी चेक कर लेना है, पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सब डाल दिया। और यहाँ देखिए लिखा हुआ पार्ट नेम लोकल लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश में है ना, इसको मुझे हिंदी में कर लेना है, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज ये हिंदी में कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा अब ये फॉर्मेट हो गया तैयार। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको कर देना है सबमिट। ठीक, मैं इसको अब कर दे रहा हूँ सबमिट। सिंपली गाँव में नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक सिलेक्ट है फादर, यहाँ फादर सेलेक्ट कर लेना है और फिर कर देना है सबमिट। मैंने पहले से बना रखा था और ये आ गया, ठीक है ना। अगर कोई आपने पहले से बना रखा है तो फाइल जनरेट नहीं होगी, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने पहले से बनाया वो कैसे बना। यहाँ प्रिंट में दे रहा हूँ और ये देखिए हमारा वोटर कार्ड हो गया तैयार। ठीक, ये देखिए मेरा वोटर कार्ड हो गया तैयार, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसको आप क्या करिएगा, कंट्रोल पी करके सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका वोटर कार्ड तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको प्रिंट करना है, ठीक है ना। और जिसको भी आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड, प्रिंट की आईडी चाहिए, वो मुझसे संपर्क करे या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे, ठीक है ना। तो आपको शायद सभी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपका इंडेक्स पे लेके सॉल्व करा दूंगा।